सरकार की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना कि लोग सीखें और साथ में कमाएं, एक तरीके से जो इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था सरकार उसको लेकर आई है। प्रभुराम चौधरी हैं, सरकार के मंत्री मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, कल ही मुख्यमंत्री ने योजना को लॉन्च किया है, आप मौजूद थे योजना की लॉन्चिंग के समय, क्या कहेंगे योजना को लेकर और किस तरीके से लाभ युवाओं को इस योजना का मिलने वाला है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी में एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा कार्य मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक जो सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जो हमारे युवा हैं वो काम भी सीखेंगे और सरकार उनको पैसा भी देगी, पेमेंट देगी, जिससे वो कमाएंगे भी, तो डबल काम एक साथ। एक साल तक वो अपना कोई भी काम सीखेंगे। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल मिंटो हॉल से इस योजना को लॉन्च किया है और इसमें बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फैक्ट्री हैं, जो हमारे सर्विस सेक्टर के लोग हैं, इसमें करीब 700 ऐसे संस्थानों ने सहमति दी है और उसको पोर्टल में डालकर युवा, अगर 12वीं पास युवा है वो उसको अगर काम सीखना है वो अपनी च्वाइस से देखेगा कि किस संस्थान में उसको कौन सा काम सीखना है, जब वो चयन करेगा वहाँ काम करेगा तो काम सीखेगा भी, और अगर 12वीं पास हो तो 8,000 रुपए महीने एक साल पर मध्य प्रदेश की सरकार देगी, और जब एक साल में जब वो काम सीख जाएगा तो फिर उसको परमानेंट नौकरी लग जाएगी। इसी तरीके से आप 12वीं के बाद अगर ITI है तो ITI पास है उसको पैसा और 8,500 रुपए दे दिया जाएगा, अगर ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है 9,000 और 10,000 रुपए हर महीने के मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार युवाओं को देगी, जिससे जो हमारे युवा जो आगे काम अपना करना चाहते हैं या आगे सेवा में आना चाहते हैं या उन्हें काम सीखना है तो काम सीखेंगे भी, कमाएंगे भी। अभी क्या है कि अगर काम सीखना चाहता है युवा उसके लिए कोई खर्चा नहीं है, उसके घर पे अगर वो गरीब परिवार का है तो उसके मध्य प्रदेश की सरकार उसे एक साल तक 9,000, 10,000, 8,000 रुपए महीने उसकी पात्रता के अनुसार देगी, और जब वो काम सीख जाएगा तो काम सीखने के बाद उसको परमानेंट जॉब मिल जाएगा, चाहे फैक्ट्री हो सर्विस सेक्टर में हम कहें, चाहे कोई सीए का कोई काम सीखना चाहता है, कोई कंप्यूटर की शिक्षा लेना चाहता है, कोई अन्य प्रकार की इलेक्ट्रीशियन की लेना चाहता है, तो अलग अलग जो संस्थान है उन्होंने पूरा अपनी कितनी वैकेंसी वो अपने पोर्टल पर उस पर डाल दी है और बच्चा खुद उसको खोलेगा, देखेगा और उसको रोजगार मिलेगा। इससे हमारे प्रदेश के लाखों युवा जो अभी काम है, जैसे तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार 1,00,000 से ज्यादा युवाओं के लिए सरकारी भर्ती की है, 1,00,000 से ज्यादा, मतलब 1,00,000 से ज्यादा, मतलब 1,14,000 और उससे ज्यादा भी सरकारी नौकरी, और जो और बच्चे जो काम सीखना वे और कमाएंगे भी और उनको आगे चल के परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं मध्य प्रदेश के युवाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी योजना बच्चों के लिए लेके आए, युवाओं के लिए जो रोजगार की तलाश में थे तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा, सरकार उन्हें तनख्वाह भी देगी और काम सीख जाएंगे तो वो परमानेंट जॉब भी मिलेगा। निश्चित तौर पर अभिनव योजनाएं देश में पहली तरीके की योजना लेकर आए, रामपाल जी यहाँ विधायक हैं, युवा जो है सीखे भी कमाए भी, युवा नीति भी मध्य प्रदेश सरकार की है, युवाओं को लेकर सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, युवा नीति लेकर आई है उसमें भी कई सारे प्रावधान सरकार की ओर से किए गए हैं। खासकर इस योजना की अगर बात करें, सीखो और कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, क्या लगता है कि युवाओं के भविष्य के लिए कितनी कारगर है? मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी चौहान साहब युवा मोर्चा से ही निकल के आए, युवाओं की समस्या भली भांति जानते हैं और इसलिए मध्य प्रदेश के युवाओं के सुझाव भी उन्हें आमंत्रित किए थे, युवा नीति, खेल नीति, इन सब पे विचार करके और युवाओं को सही दिशा देने के लिए वर्षों से उन्होंने प्रयास किया है। जब से मुख्यमंत्री, जब से उन्होंने युवाओं के लिए महत्व देना शुरू किया है और युवाओं की चिंता की है,
और इसी सुझाव पे, युवाओं के सुझाव पे ये योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे पहली योजना है। इसमें युवाओं को एक आत्मविश्वास जागा है। मध्य प्रदेश के युवा सक्षम है, योग्य है, प्रतिभाशाली है, लेकिन उनको आप उचित प्लेटफार्म और अच्छी दिशा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी है और युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और युवा मध्य प्रदेश का तो गौरव बढ़ाएंगे। देश और विदेश में भी जब ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, पूरी सुविधा मिलेगी, तो बाहर भी जाके हमारे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। ये बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से दे रहा हूँ। और ऐसी अद्भुत योजना है, इसका लाभ आज सुन के युवा प्रसन्न है और खुशी की लहर, जैसे लाडली बहना योजना में बहनों में एक लहर है मध्य प्रदेश में, इसी तरह युवाओं में भी एक विश्वास ये हो गया कि सीखो, उसमें राशि भी दे रहे हैं। एक बार युवाओं ठग चुका है यहाँ, पिछली बार उनको कहा था कि 4,000 रुपये पेंशन महीने पर देंगे, 4 रुपया नहीं दिया, धोखा खाया हुआ था युवा। लेकिन अब युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ चुका है, युवा आज उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के और आगे बढ़ेंगे, शुभकामनाएं उनको। 700 से ज्यादा प्रकल्प हैं जो अलग अलग विभाग है जिनमें युवाओं को इसका योजना का लाभ दिया जाना है, सीधे उनके खाते में पैसा जमा होंगे। क्राइटेरिया तय कर रखा है कि 8वीं पास अगर कोई है तो उसको कितने पैसे मिलने हैं, 12वीं पास है, 10वीं पास है तो 8,000, 12वीं पास है तो उसको कितने मिलने हैं, ITI है तो अलग क्राइटेरिया है उसका। तो क्या लगता है कि प्रकल्प जो चुने गए थे इस सेक्टर में युवाओं का रुझान था, सरकार ने इसी वजह से इनको चुना है? देखिए युवा इसमें जैसे साथ से लोग आते हैं, जब हमारे ही जिले के लोग काम सीख जाएंगे तो उन्हें खुद काम यहीं मिल जाएगा, काम भी सीख जाएंगे और काम सीखने के समय उन्हें कोई दिक्कत ना हो, घर परिवार से अगर सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार उनके खाते में हर महीने पैसा देगी और एक साल में जब काम सीख जाएंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिल जाएंगे और इसका संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन के बाद अब युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है, पोर्टल खोल दिया गया है और यहाँ कुछ ऐसे ही युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे उनके अनुभव साझा करेंगे, वो करना क्या चाहते हैं हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ शुभम उपाध्याय को, जो युवा हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो चाहते क्या हैं, चलिए उन्हीं से सुनेंगे। शुभम उपाध्याय, और हमारे मंच से मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम के जरिए अपनी बात रखेंगे। शुभम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। जी मैं स्टूडेंट हूँ और एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मेरी शिक्षा चल रही है अभी। अच्छा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, क्या कहना है योजना को लेकर, रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, आगे क्या ट्रेनिंग किस उसमें लेना चाहते हैं? मैं मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस योजना के माध्यम से युवाओं को बेरोजगारी से बचाते हुए अपनी अपनी रुचि के हिसाब से उन्हें अलग अलग क्षेत्र में पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का छात्र हूं तो मैं कृषि से संबंधित, उस योजना में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, कृषि से संबंधित जो भी मुझे वहाँ पर फील्ड मिलेगी उस फील्ड में जाकर मैं काम करूँगा, साथ ही साथ मुझे उस योजना के अंतर्गत जब मैं वहाँ ट्रेनिंग करूँगा तो उस समय जो भी राशि मुझे मिलेगी उससे मेरा मतलब स्वयं का खर्चा भी चलेगा और साथ ही साथ आगे चल के मैं किसी भी विद्यालय महाविद्यालय के अंदर नौकरी करूँगा और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपके दोस्त भी आपके साथ में होंगे, आपके कॉलेज के छात्र होंगे जी। सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि वो भी साथ में आ रहे हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो भी जॉब करना चाहते हैं? आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सभी लोगों को जितनी भी योजनाएँ आती हैं ज़्यादातर छात्रों के पास पहुँच जाती हैं तो ज़्यादातर छात्र इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि एक बेरोजगारी लोग आजकल बेरोजगारी को बहुत बड़ी समस्या के रूप में ले रहे हैं, बल्कि ये कोई समस्या नहीं है, आप करके देखिए हर समस्या का हल निकलेगा। इस प्रकार तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ज़्यादातर लोग छात्र रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। युवा नीति भी सरकार लेकर आई है युवाओं के लिए, आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अच्छी बात है। युवा नीति को लेकर भी सरकार के जो काम है उसको लेकर क्या कह रहे हैं? और एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा कि बेरोजगारी भत्ता या फिर काम के साथ जो इंटर्नशिप की तरह जो पैसा सरकार देके सीखो और कमाओ, क्या बेहतर मानते हैं आप? मेरा मानना है कि बेरोजगारी भत्ता तो नहीं देना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता देने से युवाओं को कहीं ना कहीं हम लोग एक गलत
दिशा की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे तो फिर उस रोजगार का वो कहीं ना कहीं गलत जगह इस्तेमाल करेगा, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ यदि उन युवाओं को भत्ता मिलेगा तो वो लाभदायक रहेगा और फायदेमंद रहेगा। भैया ने पूछा था युवा नीति, तो मध्य प्रदेश सरकार में जो युवा नीति 2003 में लागू की गई थी, युवा नीति के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में जो आज सबसे ज़्यादा युवा नीति का जो सदुपयोग हो रहा है वो खेलों के क्षेत्र में हो रहा है। जो लोग अपनी पढ़ाई का स्तर, जिन लोगों का पढ़ाई का स्तर शिक्षा के प्रति नहीं था, लेकिन कोई हमारा साथी कबड्डी का खिलाड़ी था तो कोई क्रिकेट का खिलाड़ी था तो कोई शतरंज का खिलाड़ी था, तो वे अलग अलग क्षेत्र में इस युवा नीति के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में अपने कार्य क्षमता दिखा पा रहे हैं और ये मध्य प्रदेश सरकार के होते ही ये सब संभव है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सारी ऐसी योजना युवाओं के लिए चलाई हैं जिसमें कहीं ना कहीं युवा 100% इन योजनाओं का लाभ लेते हुए कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के प्रति पहुंच रहा है। शुक्रिया शुभम अपने अनुभव साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सलोनी भदौरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा और सलोनी से जानेंगे कि जो सीखो कमाओ योजना है ये उनके लिए कितनी कारगर साबित रहेगी। सलोनी, अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते क्या हैं, कि आपको लग रहा था कि इस तरह की योजना आना चाहिए थी? मैं चाहती हूँ सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है। सीखो कमाओ योजना हम सभी के लिए एक पंख का काम करेगी। जिस प्रकार कोई चिड़िया, जो पक्षी होता है, वो अपने बच्चों को घोंसला नहीं देता बल्कि उनको पंख देता है कि वो कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, वैसे ही हमारी सरकार के शिवराज सिंह चौहान जी ने ये हम सभी युवाओं को एक काम दिया है कि हम सभी युवाओं को पंख दे रहे हैं और आगे आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कामों से, अपने सीखने के तरीके से अपना नाम, अपने देश का नाम किस प्रकार ऊँचा कर सकते हैं। तो ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की ये योजना आएंगी। मैंने भी अभी पंजीयन, आज ही मैं इस सीखो कमाओ योजना के माध्यम से अपना पंजीयन करूँगी ताकि मेरी शिक्षा के माध्यम से जो भी मैं अपने परिवार को थोड़ी बहुत मदद करना चाहती हूँ पढ़ाई के साथ साथ, वो मैं मदद कर सकती हूँ। तो सभी युवाओं की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हम सभी युवाओं को एक अवसर दिया है ताकि हम अपने देश का और स्वयं का नाम रोशन कर सकें और एक आत्मसम्मान के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ सकें कि हम किसी के अधीन नहीं है कि कोई हमें बेरोजगारी भत्ता दे तभी हम अपना काम करेंगे। हम में स्वयं इतनी दक्षता है, इतनी क्वालिटी है, इतने कुशल हैं कि हम अपने काम को अपने काम करेंगे, उसी काम का हम सरकार से पैसा लेंगे। रामपाल जी, काफ़ी अच्छी बात कही सलोनी ने कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है। सरकार पंख लगा रही है युवाओं को? निश्चित रूप से सरकार की जो सोच है कि हमारे युवा इतने सक्षम हो जाएं कि रोजगार और भत्ता की बात मांग नहीं करके इतने सक्षम हो जाएं, भांजे भांजी या मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो दूसरों को रोजगार देने वाले बन जाएं, और उसी लक्ष्य पे आज मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय हो रहे हैं। खेल कूद में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको सर्विस दी जा रही है, अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं बेटा बेटी, स्कूटी से लेकर सब सुविधाएं देने का काम, बड़ा युवाओं को प्रोत्साहन देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और उसका परिणाम है कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और युवा, मध्य प्रदेश के युवा आगे बढ़ रहे हैं, उत्साह बढ़ रहा है। प्रभुराम जी, आपसे जानना चाहेंगे सरकार की इस योजना के बारे में, जैसे लाडली बहना योजना आई तो उसमें कोई सीमा नहीं थी कि कितने लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जितने पात्र हैं सब रजिस्ट्रेशन कर दें, इसकी क्या कोई सीमा है या फिर जितने युवा चाहें उतना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ये जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया गया कि जितने भी हमारे जैसे 700 संस्थानों ने उस पर रजिस्ट्रेशन कराया, अभी और भी संस्थान है अपने रजिस्ट्रेशन उसमें कराती, 700 प्रकरण, 35,000 से ज्यादा संस्थान है जिनका शायद रजिस्ट्रेशन है उसमें। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन और भी संस्थाएं उसमें, क्योंकि सबको अपने काम के लिए आवश्यकता होती है, जो भी कोई भी नया प्रतिष्ठान खुलता है या पुराना प्रतिष्ठान है उनको काम करने वाले लोग चाहिए, लेकिन काम उनको अगर नहीं आता है तो अब सरकार उनको सिखाएगी, मतलब सरकार उनको भेजेगी, उनको पैसा देगी, पैसा देगी तो वो अपना घर छोड़कर वहां पर काम सीख सकते हैं और काम सीखने के बाद परमानेंट काम मिल जाएगा। ये लगातार प्रक्रिया है, जितने भी हमारे बच्चे जो भी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथी हैं, युवा जो काम करना चाहते हैं उसमें अपनी च्वाइस को फिल कर सकते हैं, चाहे हमारे एजुकेशन के संस्थान हो, चाहे हमारे अन्य संस्थान हो, चाहे यूनिट हो,
चाहे हमारे सेवा के जो कार्य हैं उसमें लोग जाना चाहते हैं, वो अपना जैसे जैसे उसमें आपके पोर्टल पर दिखता जाएगा और युवा अपना उसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा, और इसमें युवाओं के लिए इसमें कोई सीमा नहीं है, अधिक से अधिक युवाओं के लिए काम मिलेगा। यानी कोई इसकी लिमिट नहीं है, समय सीमा नहीं है, और यहाँ पर कुछ और यूथ मौजूद हैं, उनमें से शुभम कुशवाहा को बुलाना चाहूंगा। जैसे कि सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो संस्थान सरकार की ओर से चिन्हित किए गए हैं, जिन संस्थानों पर रजिस्ट्रेशन है वहीं पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं और इस योजना का लाभ लें। शुभम अपनी बात रखेंगे, शुभम आप अपने बारे में जानकारी दें और इस योजना को लेकर आप कितने जागरूक हैं। जी, मेरा नाम सोम कुशवाहा है, मैं छात्र हूँ। सीखो और कमाओ योजना से हमें एक किताब मिली है, हमें एक सीडी भी मिली है। जैसे कोई भी स्टूडेंट रहता है उसे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँगा क्या करूँ, तो जैसे हर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाना संभव नहीं रहता, उसी प्रकार जैसे समंदर मोती पाना हर कोई नहीं ढूंढ सकता समंदर मोती, उसी प्रकार हर व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। सीखो और कमाओ योजना से मुझे एक सीडी भी मिली है, सीडी मिली है जिसके माध्यम से मैं अपनी स्किल और अपना कौशल, जैसे मैंने सिविल किया है तो मुझे सीखो कमाओ योजना से मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा और उसमें मुझे जो भी मिलेगा, मतलब सिविल इंजीनियरिंग करी है मैंने उसमें, तो जैसे मैंने सिविल में जो भी, आप सिविल इंजीनियर हैं और इसी में विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी में आपको योजना की जानकारी कैसे लगी, कैसे पता चला? मुझे जो कल लॉन्च हुई थी सीखो और कमाओ योजना, मैंने उसे घर पे बैठकर लाइव देखा था, और शिवराज सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने युवाओं के लिए सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुभम क्या सोचते हैं, योजना क्यों जरूरी थी? ये योजना इसलिए जरूरी है, जैसे बेरोजगारी भत्ते से तो ये योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि सीखो और कमाओ योजना में उसमें व्यक्ति सीखता है और खुद कमाता है, अपनी प्रतिभाएं और अपने स्किल जो वो करना चाहता है उसके माध्यम से वो सीखना चाहता है और उसके ही माध्यम से वो कमा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। यहाँ पर अश्विनी पटेल जी भी मौजूद हैं, उनको भी मंच पर बुलाना चाहेंगे, और बड़े ही संक्षेप में आप अपनी बात रखें, आप अपने शिक्षा के बारे में जानकारी दें और इस योजना का आप किस तरह से लाभ लेना चाहते हैं, यानी आप कर क्या रहे हैं और क्या करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी दें। अश्विन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। मेरी मतलब पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो चुकी है, सीखो कमाओ योजना का लाभ मिल सकता है। हाँ बताएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ सीखो कमाओ योजना का लाभ, इसलिए मतलब मैं पॉलिटेक्निक में ही कंप्लीट हो चुकी है कि इस योजना का लाभ मैं ले सकता हूँ, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है इसमें, मतलब मैं सिविल इंजीनियर से कंप्लीट की मेरी। अब प्रक्रिया तो बड़ी आसान है ना, पोर्टल खोलो जी, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। युवाओं के लिए मतलब ये अच्छा है, मतलब योजना है। कुछ ऐसे जो आपके छात्र हैं, वैसे तो सब तक जानकारी पहुंच चुकी है लेकिन फिर भी जिनके पास अभी तक जानकारी नहीं पहुंच पाई है, ऐसे युवाओं से क्या अपील करेंगे आप? मतलब युवाओं को ज़्यादातर तो जानकारी पहुंच चुकी है कि सोशल मीडिया से माध्यम से, मतलब जो नहीं मिली मतलब उनको भी जानकारी पहुँच जाएगी। सर, जानकारी पहुँचाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बार बार ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, प्रक्रिया पूरी समझाई जा रही है, तो क्या जिले लेवल पर भी इसमें अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है? इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, पूरी योजना कल लॉन्च हुई है, इसका पूरा विस्तार जिलों में सब युवाओं को पता लग गया, पूरा पोर्टल का पूरा एड भी दिए जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सारे युवाओं को, कल भी लाइव चला मुख्यमंत्री जी ने जो संबोधन किया, और पूरे विभाग के माध्यम से सारे युवाओं तक जानकारी पहुंचे और वो अपना विकल्प चुन सकें और अपना रोजगार के लिए वो अपना तय कर सकें कि हमें किस काम में हमको जाना है, उसको वो अपना विकल्प चयन करेंगे जिससे वो काम भी सीखेंगे और उनको पैसा भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुराम चौधरी जी।